वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई हूँ देहरादून गड़ी कैंट में हूँ और फिलहाल मैं सब्जी खरीदने आई हूँ। हम पहले मामी के घर गए, फिर वहाँ से अभी सब्जी लेने आया। बड़ी मामी को भी लेके आया साथ में और छोटी मामी को भी लेके आए हैं और मेरे जीजा जी भी हैं यहाँ पे अभी आए हुए। इनको कुछ सामान छूट गया था, वो देना था। बिना को दिखा देती हूँ आपको, रुको। भेना भेना गाइस, सब्जी छूट गई थी इसलिए भेना लेने आए। अच्छा फिर अभी भेना जा रहे हैं वापस और हम लोग भी सब्जी खरीदते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है। ये देखो गाइस, सब्जियां एकदम फ्रेश फ्रेश। ये गड़ी में ना गाइस, ये वाला एरिया है, यहाँ पे पूरा सब्जी मार्केट है पूरा का पूरा। देखो कैसे वाले भैया ने लाइट एडजस्ट करके लाइट जला दी गाइस। ये देखो ये औरत यहाँ पे बहुत होल कर रही है, तो उस तरह कम पैसे तो लगेगा। और भैया ने सर पकड़ लिया है, परेशान हो गए। आधा किलो इतने ज्यादा 60 रुपए का, 40 का लगा दो। आपको 10 रुपए कम कर दिया, कोई नहीं 20 रुपए भी कर दो। हाँ ये कर लो पहले। मैं आई हूँ एक अलग स्कूटी में और दोनों मामी आई है दूसरी स्कूटी में, क्योंकि हम 3 जने आ रहे थे और मैंने चश्मा भी लिया है गाइस। देखो ओ टेढ़ा लग गया था। ये देखो गाइस, हमारा 10 रुपए गिर गया। क्या मिला, कहाँ पे अंकल? ये है ना, आ जाइए। मिल गया, मिल गया। बार्गेनिंग करके कैसा लग रहा है? रोशन काम है, विकास नगर में ये करती थी मैं, गड़ी में आके भी यही कर रही हूँ। टमाटर वाला परेशान हो गया मामी। टमाटर वाला मैं बहुत चीज सीख चुकी हूँ जो कि जरूरी भी है, सीखना चाहिए तुझे भी। नहीं भैया से हम फ्रूट ले रहे हैं गाइस। अभी पास कर चुपके से ना, वो देख देख अंकल। थैंक यू अंकल। जलेबी बहुत टेस्टी है गाइस, यहाँ पे देखिए। और हम ऐसे रैंडमली आ गए हैं, मामी ने बोला जलेबी खिलाएंगी। मैं सवाल में देखो किसने पूछा और किसने जवाब दिया। टमाटर दीदी ने पूछा अंकल से और जवाब दिया भैया ने। यही असर हो जाता है गाइस जब साथ में बिल्कुल दुकान जुड़ी और सालों का एक्सपीरियंस हो जाए। अभी हम यहाँ पे भी आएंगे पर फिलहाल मामी और टमाटर ले रहे हैं। 30 रुपए किलो है गाइस टमाटर, यहाँ पे हर जगह 30 रुपए किलो है, पर इन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा है कि इन्हें कहाँ से लेना है, तो फिलहाल इनका अड्डा और प्रेफरेंस यही है। देखो टमाटर लेना चाहिए सब छोटा और चुच्चा। सब क्या देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये होता है खट्टा खट्टा। मीठा लेगा तो फिर अम्मा हमें बहुत डटेगी कि मीठा है मीठा है, इसलिए हमें ऐसा लेना है। अम्मा इनके साथ है गाइस। चलो तुम भी हेल्प करो बेटी, वीडियो बनाती रहोगी क्या? काट दूंगी ये वाला लाइन, काट दूंगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। काफी एक्स्ट्रा टमाटर ले लिया था गाइस उन्होंने वापस कर दिया अंकल ने तो। जॉल है अभी टमाटर, वो पतला पतला कुरुम कुरुम मोटा नहीं, बिल्कुल पतला पतला। डिमांड है गाइस पतला पतला कुरुम कुरुम, करारा हो जाएगा पर वैसे मतलब कोशिश करो तो उसका पतला करारा कर देंगे, वो करारा होगा ना तो अपना भी पतला होगा। अच्छा भैया तो बनाते हैं जलेबी, बस रिप्लेस हो गए भैया तो हमारा। मुझे तो इस हेलमेट ने बहुत दुखी किया है, हम लोग भूल गए थे, अब याद आया फिर से। आलू प्याज टमाटर तो रह गया। ओ भैया बार बार कैमरे में आ रहे हो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मामी आप फिर से प्याज टमाटर आलू लेने आ गई। मामी तो बिना देखे ऐसे फटाफट फटाफट डाले गाइस, देखा एक्सपीरियंस देखो जरा। सब कुछ ठीक है गाइस, मुझे ये भैया की चीज क्रिएटिव लगी काफी और वो है इनकी शर्ट। क्या बात है, कितना अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। जय गुरुदेव, शुद्ध आहार से मुक्त हो, शाकाहारी हो जाए। मामी आलू छोटा छोटा तो यही आता है तो क्या आप लोग सुई लगा बढ़ाते हो कुछ भी डालना तो पड़ेगा अंकल, देखो तभी तो कैप्चर होता है। कैप्चर करना, बहुत लोग देखेंगे हमारे। तो क्या होगा, सेटिंग नहीं बनी हुई ना हमारा, सेटिंग नहीं बनी हुई ना हमारा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अंकल शर्मा गए गाइस, कह रहे हैं मुझे मत डालना वीडियो में। पहले सब्सक्राइब करो। अंकल काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये देखो खुद ही कर देते हैं सब्सक्राइब। दोबारा फिर आना, ये घूम रहा मत। ये लो अंकल, ये वाला चैनल है ठीक है, यहाँ पे वीडियो वगैरह है सब तुम्हारी। हाँ जी सब्सक्राइब कर दिया, आप देखते रहना वीडियो। गड़ी का आएगा एक भाई साहब, दोनों भैया में लड़ाई हो गई थी गाइस। ये वाले भैया कह रहे थे मोटे तुमको नहीं दिया है वीडियो में, हमको लिया है। हाँ भैया गाइस
देखो भैया कितने अच्छे हैं गाइस, भैया हमें जलेबी देने आए, हम पैसे दे के जलेबी छोड़ के आ गए थे लेकिन भैया आए वापस देने, ये यही अच्छी बात है गाइस। ये देखो लड़ रहे हैं आपस में कि झोला मैं पकड़ूंगी। नहीं मैं झोला हमारा खाती दीदी ने बोला कि हम मत रख बंदर ले जा देगा। अच्छा यहाँ पे बंदर भी बहुत आते हैं गाइस। ये आए हैं हम ग्रोसरी शॉप और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अमूल पाउडर चाय के लिए क्या ले रही हो मामी? मिल्क अमूल का। ओके दो वो भी। अब इसका हमने एक्सपायरी डेट चेक करने का, 12 जुलाई है टाइम तो 12 जुलाई को बेसन बेसन ले रही है गाइस। आधा किलो शायद ये 500 ग्राम आधा किलो एक ही लेना ना। ये देखो गृहणियाँ ऐसे डिस्कस करती है। ये देखो गाइस बेसन भी बराबर है लेकिन फिर भी नाप रही है, जो भारी लग रहा है वही लूंगी की लालची गृहणी। मुझे गाइस ज्यादा मीठा पसंद नहीं है लेकिन मामी ने बोला एक बिस्किट उठा सकती हूँ तो मैं फिलहाल देखो जिम जैम ले रही हूँ। मेरा प्रेफरेंस ये है जिम जैम क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ यही है जो मुझे पसंद है। इसके अलावा और भी बहुत है जो मैं खा लेती हूँ लेकिन पसंद यही है। तो अगली बार अगर मुझे गिफ्ट करोगे तो ये करना। ये भी है देखो आंटी बंटी की बना रही है लेकिन मुझे फिलहाल बर्गर खाना है। ये यहाँ का बेकरी है गाइस, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है। सुना तो ऐसे ही देखते हैं। मैंने लिया ₹30 बर्गर और ₹35 चॉकलावा। और यहाँ पे चॉकलेट स्लाइस एंड पुडिंग भी है, बहुत सारा केक का ऑप्शन है। और ये हमारा हो गया है गाइस सामान पैक। अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। ये लोगों ने बर्गर तो खाया नहीं, बन टिक्की को देख रहे हैं। क्या बात हुई है? बात ये हुई है कि हम पूछ रहे हैं अम्मा खाती है कि नहीं। अम्मा का पकायदा ध्यान रहता है इन दोनों बहुओं को। मैंने यहाँ से 2 चिप्स खा ली हैं। वैसे मुझे ब्लू वाला पसंद है लेकिन वो यहाँ पे है नहीं तो फिलहाल मुझे ये दोनों भी पसंद है। ये चाहिए और मुझे ग्रीन वाला अंकल चिप्स पसंद है लेकिन पैसे नहीं है। शुक्रिया अंकल, सामान ले लिया है। अब हम जा रहे हैं बन टिक्की के लिए क्योंकि इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। देखो गाइस इस एज में नॉन स्टॉप खड़े रह के यहाँ पे टिक्की बनाना इज नॉट इजी। और आंटी लगातार जब से हम आए हैं सामान खरीद के तब से तो मैंने इनको ऐसे देखा है कि नीट पे कर रहे हैं काम, नॉन स्टॉप सेल कर रहे हैं जी। एक चटनी और यहाँ भीड़ भी बहुत बढ़िया चल रही है गाइस, काफ़ी भीड़ है। ये बन टिक्की ₹30 का है और खाली टिक्की भी मिलता है वो 25 का पड़ेगा। मिर्ची वाला गाइस दादी सपनी पीने वाले थे हां सब वही मसाला। और ये है कम मिर्ची वाला। नाइस मुझे अच्छा लगा गाइस, टिक्की भी क्रंची है और मीठा और मिर्ची दोनों बैलेंस है, अच्छा है। बताओ कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया लगा। माई जी को छोटी मामी और बड़ी मामी दोनों को बढ़िया लग रहा है, एकदम क्रंची और टेस्टी बनाया था, मुझे भी बड़ा मजा आया गाइस। आप भी कभी आओ तो आना जरूर इधर, बहुत टेस्टी बनाए हो, मजा आयो बहुत। जलवा है हमारा। हम घर पहुंच गए हैं गाइस और सामान ही सामान है हाथों में और आज तो बहुत मजा आया। आगे का मैं उस वक्त शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद हम लोग गए थे थोड़ा सा ज्वेलरी शॉप में, काम था मामी को और वो बस सामान लेना ही था वहां से तो इतना टाइम लगा नहीं गाइस, वो हाथों हाथ लेना था। और उसके बाद फिर हम लोग ड्राइव करके आए तो यहाँ पे पूरा आर्मी एरिया है तो ज्यादा शूट भी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो डायरेक्ट मैं घर ही आई अब और यहाँ से आपको दिखाती हूँ। हम सब्जियां लेके आए हैं, देखो कैसा लग रहा है, देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया। कैमरा ऑब्सेस्ड बच्चे। ये देखो गाइस किचन में बड़ा सामान रख देते हैं। टडन 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 आ गए गाइस, घर आ गए और हालत बहुत खराब है। हाँ देखिए तातिया बिच्छू जैसी गुड़िया। गाइस मजा आया। देखो अब हम खाएंगे जो मैं लेके आई अपना पैक करा के बर्गर और चॉकोलावा केक। देखो गाइस देखो हमने तो ऑर्डर किया था ये, मतलब दो ही चीज है आपको तो पता ही है। दिस इज माई फेवरेट जो कि टेढ़ा हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत सारा सामान था, ध्यान ही नहीं दिया, बर्गर तो पिचक गया है। ये क्या है? आई गेस केक होगा।
ये है चोकोलावा केक जो कि हमने उस टाइम गर्म कराया था और अब ये फिर से ठंडा हो चुका है और मुझे तो लगता नहीं इसमें से कुछ लावा निकलेगा, तो जम चुका है गाइस। देखो पत्थर है, पत्थर पता नहीं है कैसा होगा लेकिन खा के बताती हूँ आपको, फिर आप भी खरीद लेना। ओके, निकाल दिया है हमने माइक्रोवेव से अपना बर्गर और ये है बहुत ही गरम गरम बर्गर चीज़ी और ये मामी का लावा केक जो कि पहले पत्थर सा था और अब देखो अब तो नरम नरम हो गया है, अतु गरम है गाइस, देखते हैं खाके। 10 seconds later काको हां बताइए, बिल्कुल भी लावा जैसा कुछ नहीं निकला। मामी मजाक उड़ा रहे गाइस, मैं इतनी एक्साइटेड होकर आई कमरे से भाग के फोन लेके कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये देखो जरा, ये देखो सूखा लावा, ये देखो क्या बकैती है, सूखी हो मामी, ये तो दुख हो गया, मैं तो दुख हो गया गाइस, मैं ये खा लेता हूं। चलो गाइस मैं तो लेके आ गई, मैंने लावा केक का अंदर का लावा लावा लिया है जो कि यही देखो पूरा लावा जो एरिया था उतना एरिया सिर्फ सॉफ्ट है, लावा जैसा कुछ है नहीं, तो सोचो फिर बाकी का केक कितना हार्ड होगा। बेकार है, बहुत बेकार, 45 रुपीस पर बाप। इट्स गुड लाइक सम चीजी विद सम मेयो कुकुम्बर क्यूक्यूम्बर। ये क्या है, गरम है, देखो गाइस धुआं निकल रहा है, खाएगी मम्मी? इसमें ना टमाटर है, सबसे बेकार बात यही लगती है बर्गर की। तो गाइस आई एम डन और अब इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दें, बाय।